जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अभी भी विभाग से नया SMS आया है, नया लेटर जारी हुआ है। बड़ी खुशखबरी आई है, बुढ़ापा पेंशन डालनी शुरू। अब की बार सभी के खाते में 2800 रुपये की बुढ़ापा पेंशन। अभी भी समाज कल्याण विभाग से नया लेटर जारी हुआ है कि 50 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, जो कि जनवरी महीने में सिर्फ 50 रुपये बढ़कर आएगी बुढ़ापा पेंशन। CM खट्टर ने ऐलान करते हुए कहा है कि हरियाणा में बुजुर्गों को हर साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन इस बार हमने हर बुजुर्ग की पेंशन में केवल 50 रुपये की बढ़ोतरी की है, लेकिन आने वाले समय में सीधा 5000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की जाएगी। हमारी सरकार बनने पे मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर BJP की पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनती है तो बुजुर्गों को मिलने वाली सामान्य राशि बुढ़ापा पेंशन में 5000 रुपये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अब की बात जनवरी में 1 जनवरी से 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि 2800 रुपये सभी के खाते में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया गया है। अभी नया लेटर जारी हुआ है, जिनके खाते में 2800 रुपये आ गए हैं वो खुश हो जाएं, और जिनके खाते में नहीं आए हैं उनके भी खाते में अभी तत्काल डालना शुरू कर दिया गया है। इसीलिए हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने कहा है सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन मिलेगी।